हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रेडिस क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसटी नंबर 307। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि एरर से रिलेटेड है, राइट वो है 76। इन हिज बुक ओके फाइन चर्चिल डिस्क्राइब्स ओके फाइन दैट हिस्ट्री आई मीन दैट हिस्टोरिकल फर्स्ट मीटिंग विथ द रूजवेल्ट। ओके, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट का जो यूज है वो सही तरीके से नहीं किया गया है, राइट यहां पर होना चाहिए द फर्स्ट, मतलब हिज इन हिज बुक चर्चिल डिस्क्राइब दैट हिज दैट फर्स्ट हिस्टोरिकल मीटिंग विथ रूजवेल्ट, राइट। सो हमारा जो एरर है वो सी में है, हम लोगों को यहां पर यूज करना चाहिए हिज फर्स्ट हिस्टोरिकल मीटिंग विद रूजवेल्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 77 में लिखा हुआ है द एंट हु वॉज नियर बाई वॉक्ड फॉरवर्ड एंड बिट द हंटर शार्पली इन द एंकल, एंकल शार्पली इन द एंकल, एंकल इन द एंकल नहीं ऑन द एंकल का प्रयोग होना चाहिए, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 77 में सी इज एरर। द ड्रेस दैट द गर्ल वोर वॉज मोर अट्रैक्टिव देन द अदर गर्ल्स, यहां पर थोड़ा रेक्टिफाई करना होगा, होगा क्या द ड्रेस दैट द गर्ल वोर वॉज मोर अट्रैक्टिव देन दैट ऑफ द अदर गर्ल्स, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज का, उसके ड्रेस का। द ड्रेस दैट द गर्ल वोर वॉज मोर अट्रैक्टिव दैन, यहां पर दैन की जगह पर हमें ये लिखना पड़ेगा दैट ऑफ, दैट ऑफ द अदर गर्ल्स। जैसे हम लोग करते हैं द रोड ऑफ लखनऊ इज बेटर दैन द रोड ऑफ दिल्ली, सपोज। तो ये द रोड और द रोड जो रिपीटेशन हो रहा है, इस रोड के लिए हमें दैट का यूज करना पड़ेगा क्योंकि रिपीटेशन ऑफ नाउन इज नॉट अलाउड, राइट। तो द रोड ऑफ लखनऊ इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, अगर ये रोड्स होता तो होता क्या, द रोड्स ऑफ लखनऊ आर बेटर देन दोज ऑफ दिल्ली, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट 79 में देख रहे हैं आई कैन डैश हिम विदाउट क्वालिफिकेशन, राइट। सो आई कैन कमेंड, आई कैन सजेस्ट हिम, प्रेज हिम, रिकमेंड हिम। सो क्या कर रहा है विदाउट क्वालिफिकेशन, तो अगर विदाउट क्वालिफिकेशन तो रिकमेंड वुड बी द एप्रोप्रिएट वर्ड, आई कैन रिकमेंड हिम विदाउट क्वालिफिकेशन, मतलब उसने रिकमेंड किया है विदाउट क्वालिफिकेशन, सो रिकमेंड वुड बी मोस्ट एप्रोप्रिएटेड वर्ड। नाउ क्वेश्चन 80, इट इज होप्ड दैट आर्टिकल आ हैज बीन यूज्ड विल बी रीच्ड इन द मीटिंग, राइट। तो स्टेटमेंट आई इट इज होप दैट, ये आशा किया जाता है आई स्टेटमेंट विल बी रीच्ड इन द मीटिंग, नो कंपैरिजन वी कांट से, कॉम्प्रोमाइज इट इज होप दैट अ कॉम्प्रोमाइज विल बी रीच्ड इन द मीटिंग, दिस वुड बी द एप्रोप्रिएट कॉम्परेशन, नो कंपैरिजन, नो स्टेटमेंट, नो कॉम्प्रोमाइज वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। अगर हम लोग इसमें कॉम्प्रोमाइज लिखते भी हैं तो इट वुड बी लाइक इट इज होप दैट अ कॉम्प्रोमाइज विल बी रीच्ड इन द मीटिंग, जिसको हम लोग समझौता बोलते हैं, समझौता, राइट। समझौता हो गया मीटिंग में, हो जाएगा। नाउ 81, वी आर फॉर्चुनेट, भाग्यशाली हैं टू हैव एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली, अब ये एंड विजनरी लीडर्स, तो कॉम्पिटिटिव विजनरी लीडर्स, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेसेंट एंड कॉम्पिटेंट। सो द कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है,
कुशल, राइट। सो अगर मैं इसको यहाँ पर पुट करूँ तो वी आर फॉर्चुनेट टू हैव एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट एंड विजनरी लीडर्स, मतलब कुशल लीडर, राइट। सो दैट वुड बी कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट का मतलब कुशल, दोनों पॉजिटिव। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल हो जाता है और कॉम्पिटिटिव का मतलब कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिशन देने वाला, नेगेटिव है लेकिन एंड से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों ही पॉजिटिव वर्ड्स को यूज किया जाएगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 82। अब इसमें फोर अल्टरनेटिव दिए गए हैं, बेस एक्सप्रेसिस मीनिंग को फाइंड आउट करना है, राइट। तो सबसे पहले हम लोगों को मीनिंग देखनी होगी। तो सिंटिलेटिंग मतलब व्हाट? सिंटिलेटिंग का मतलब होता है ग्लिटरिंग, यू कैन से ग्लिटरिंग, राइट। सो इसका मूविंग अप्रोप्रिएट नहीं होगा, राइट। इंटरेस्टिंग नहीं होगा, बर्निंग नहीं होगा, सो ग्लिटरिंग वुड बी द राइट ऑप्शन, मतलब शाइनिंग, शाइनिंग वुड बी द राइट और अप्रोप्रिएट आंसर। नाउ नेक्स्ट बेस्ट एक्सप्रेस देखना है। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब होता है आई मीन यू कैन से लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय के लिए, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, राइट। और यू कैन से फ्लीटिंग, सो फ्लीटिंग वुड बी द एप्रोप्रिएट। फीबल का मतलब बिल्कुल कमजोर, ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी, एंड फैंसीफुल मतलब विच इज बेस्ड ऑन फैशन, फैंसीफुल, तड़क भड़क, राइट। सो फ्लीटिंग का मतलब होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए यूज किए जाते हैं, बड़े कम समय के लिए, छोटे टाइम के लिए, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। नाउ क्वेश्चन 84। वॉरेशियस, वॉरेशियस का मतलब, वॉरेशियस के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल मीनिंग है वह है आपका ग्रीडी, राइट। ग्रीडी, नॉट हैस्टी, जल्दी नहीं होता है, हंग्री मतलब भूखा नहीं, थर्स्टी मतलब प्यासा नहीं, दैट वुड बी ग्रीडी, सो ग्रीडी वुड बी द एप्रोप्रिएट वर्ड। नाउ ऑपोजिट हमको देखना है, राइट। तो ऑपोजिट में सबसे पहला वर्ड है वर्च्यू, राइट। वर्च्यू का मतलब यू कैन से बिहेवियर शोइंग हाई मोरल स्टैंडर्ड, हाई मोरल स्टैंडर्ड, राइट। सो नाउ यहां पे हमको एंटोनियम्स देखना है। सो फॉल्ट, हाई मोरल स्टैंडर्ड का फॉल्ट से क्या लेना देना? वाइस, ये हो सकता है। इल टेम्पर्ड, नो। एंगर, नो, ये दोनों ही नहीं होंगे। वाइस का मतलब होता है इमोरल और विक्ट बिहेवियर, इमोरल और इमोरल, तो यहां है मॉरल तो ये होगा इमोरल, राइट, और विक्ट बिहेवियर, राइट। सो बी वुड बी द राइट ऑप्शन। नाउ 86। ऑब्स्क्योर का मतलब नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, सो एकदम ऑपोजिट आपको लग रहा है कि क्लियर वुड बी द एप्रोप्रिएट वर्ड, राइट। ग्लूमी का मतलब अंधेरा होता है, डार्क, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। अनप्लीजेंट का मतलब जो अच्छा नहीं लगे दिखने में, दैट इज कॉल्ड, बट द एप्रोप्रिएट वर्ड वुड बी क्लियर। नाउ फ्रेज है, इडियम्स है, द प्रेजेंट मैनर ऑफ डेलिमिटेशन हैज बीन डन इन अ गेरी मैंडरिंग वे। ओके, गेरी मैंडरिंग वे, ये आपका इडियम्स है। What would be, what is the meaning of that one? So gerrymandering way का मतलब होता है manipulative and unfair way. So in manipulating
an unfair way would be the appropriate answer. इस सब को आप लोग याद कीजिए, लिखिए उसको और लिख करके इसे याद करने की कोशिश कीजिए. Now, the performance of the lead actors in the play brought the house down. Okay, so bring the house down का मतलब, bring the house down का मतलब होता है कि किसी को मतलब उकसा देना उत्सुकता से, right? तो you can say made the audience applaud enthusiastically, right? Enthusiast का मतलब होता है with high spirit, right? उत्सुकता. तो a would be the best option. Now 89. Jane earned pin money working part time as a waitress, right? So a pin money, what is the mean of pin money? Is it what kind of the money we are just talking about? So pin money is a small amount of money, right? Just remember these things. Isko yaad kijiye. Pin money means a small amount of money. Now next 90. I saw the woman whom you said lived next door. Whom you said lived next door. अब इसमें क्या है, सेंटेंस अ पार्ट द सेंटेंसेस इज अंडरलाइन, राइट? बिलो द आर गिवन ऑल्टरनेटिव टू अंडरलाइन पार्ट ए बी सी विच में इम्प्रूव सेंटेंसेस, इम्प्रूव करना है. सो आई सॉ द वोमेन होम यू सेड लिव्ड नेक्स्ट डोर. सो व्हाट वुड बी, यहाँ पे होम की जगह हु का यूज करना चाहिए. मतलब आई सॉ द वोमेन Who you said live next to the door. ये हम लोग प्रोनाउन में भी पढ़ते हैं कि who को किस जगह पर यूज़ करना चाहिए और whom को किस जगह पर यूज़ करना चाहिए, right? Now next 91. The interesting tale का मतलब story had its beginning more than 50 years ago, right? तो had its beginning की जगह simply करते हैं क्योंकि यहाँ पर डेट दिया हुआ है, बहुत पुराना है. ये होगा began. The interesting tale began more than 50 years ago, right? जब भी हम लोग yesterday, last, past ये सारे word use करते हैं तो simply वहाँ पर past indefinite tense का use किया जाता है, right? Now 92. One of her friends had just got down from the bus. Got down from the bus की जगह हम लोग को alighted from का यूज करना चाहिए, right? One of her friends had just alighted from the bus. जिसका मतलब होता है, alighted from का मतलब होता है to make light or less heavy. Now next 93. A supplement to a will. ये है हमारा one word substitution, right? Choose the one which a supplement to a will. Will का मतलब यहाँ पर क्या है, इच्छा, right? तो इसको कौन सा replace करेगा? अगर हम लोग कॉडिसिल को देखते हैं तो कॉडिसिल का मतलब क्या होता है? कॉडिसिल का मतलब एन एडिशन और सप्लीमेंट दैट एक्सप्लेन. Modifies or revokes a will
और पाड़वन, राइट। सो कॉर्डिसल का मतलब होगा अ सप्लीमेंट टू अ वेल, राइट, एडजंक्ट इफ्यूजन, जिसका मतलब बहाव होता है, फ्यूजन। और फर्ल ऑफ का मतलब होता है गैर हाजिरी की छुट्टी। राइट। सो इन दोनों का मतलब अलग है बिल्कुल इससे, राइट। तो इसका जो एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन होगा वो होगा कॉर्डिसेल। नाउ नेक्स्ट, एस्टिमेशन ऑफ थिंग्स वर्थ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर पे नहीं होगा, इसका आंसर गुडनेस, नो, नॉट एट ऑल। एस्टिमेशन ऑफ अ थिंग्स वर्थ मतलब किसी चीज़ का वर्थ लगाना, मतलब उसका एंटिटी, उसके वैल्यू के बारे में एस्टिमेट करना। तो अप्रेजल वुड बी द अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन। बिलीव्स, नो, बिलीव्स का मतलब विश्वास करना। अप्रेजल वुड बी द अप्रोप्रिएट, इनको भी आप लोग याद कीजिए। टू फ्री कंप्लीटली फ्रॉम ब्लेम, जिसको हम लोग बिल्कुल ब्लेम से बरी रखते हैं, राइट। तो क्लियर, नो, लेट गो, नो। जोनरेट, जोनरेट का मतलब होता है टू फ्री कंप्लीटली फ्रॉम ब्लेम। रिलीज का मतलब किसी को किसी प्रिजन से रिलीज कर देना, राइट, बाहर कर देना। तो लेट गो ये तो एक वर्ड है आउट ऑफ स्कोप, क्लियर का मतलब क्लीन, क्लियर, और रिलीज का मतलब आउट ऑफ प्रिजन। सो एक्सोनरेट का मतलब, एक्सोनरेट का मतलब टू कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन 96 to 100, एक इसमें पैसेज दिया गया है जिसको हम लोग पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। द यूनाइटेड नेशंस फोर्थ वर्ल्ड वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हैड ए कलरफुल स्टार्ट एट बीजिंग ऑन सितंबर 4। ये फैक्ट्स एंड फिगर पर दिया हुआ है। फैक्चुअल क्वेश्चन इससे ज़्यादातर पूछे जाएंगे, जिसमें आप लोगों को एक पैराग्राफ रफ इस पेपर करना चाहिए, जिस पैरा 1, पैरा 2 सारे पैरे को एक जगह आपको रफ शीट पर लिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से 1, 2, 3, वंस अगेन इसको करेंगे, और इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं उसको लिख लेना चाहिए, फॉर द सेक ऑफ कि आपको फिर बार में रिग्रेशन ना करना पड़े, री रीडिंग ना करना पड़े, राइट। सो द यूनाइटेड है नेशंस फोर्थ वर्ल्ड वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हैड ए कलरफुल स्टार्ट एट बीजिंग ऑन सितंबर 4। दिस इज द सेंचुरीज मोस्ट क्रूशियल कॉन्फ्रेंस, बहुत इंपॉर्टेंट, विच एम्ड एट चेंजिंग द स्टेटस क्वो ऑफ वुमेन्स लीव्स कैरेक्टराइज्ड बाई इनइक्वालिटी। इन अ प्रिलिमिनरी सेशन मिस्टर ऑन्ग सू की, द नोबेल पीस प्राइज विनर, सेड दैट एक्सपैंडिंग वुमेन्स पावर विल bring great peace and tolerance to the world. It is not the prerogative मतलब पहले वाले of men along to bring light to this world. Women with their capacity for compassion and self-sacrifice, with their courage and perseverance, have done much to dissipate the darkness of intolerance and hate. Said Miss Suki in the afternoon session. Mr. Ayako Yagaguchi, a Japanese delegate, launched a petition against beauty pageants. What right do men have to evaluate women in a few minutes? This was the question of, Yako Yamaguchi. What right do men have to evaluate women in a few minutes? All women are beautiful. Beauty is one, something different from everyone. Miss
ओके यहाँ पर हम लोग अगर देख रहे हैं, क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट राइट टू मेन हैव टू इवेल्युएट वुमेन इन अ फ्यू मिनट्स. द आंसर वर्ड वर्ड्स ऑल वुमेन आर ब्यूटिफुल, ब्यूटी इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन. ये स्टेटमेंट है लिखा कहा गया है मिस याको यामागुची ने कहा है. नेक्स्ट ब्यूटी कॉन्टेस्ट आर यूज एज ट्रेड एंड एक्सप्लाइटेशन. इन्होंने इस चीज़ों को क्रिटिसाइज किया है. द ट्रेनिंग इज वेरी रिगरस बट इट इज द ऑर्गेनाइजर्स नॉट द वुमन हु गेट द फुल बेनिफिट, सेड मिस रंजना भार्गव. आफ्टर कॉम्पिटिशन द वुमन बिकम ट्रैप्ड एंड द अब्यूज एंड द बैड थिंग्स बिगेन. एग्जैक्टली ये जो क्रिटिसाइजेशन है वुमेन के ही इस फेवर में है कि उन्होंने कहा कि ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने के बाद जिस जैसा कि स्टेटमेंट था कि वुमेन को हम लोगों को व्हाट राइट डू मेन, क्या करना चाहिए मेन को, हैव टू इवेल्यूएट वुमेन इन अ फ्यू मिनट्स. तो ऑल वुमेन्स आर ब्यूटीफुल, राइट, सारे वुमेन जो हैं वो ब्यूटीफुल हैं. लेकिन यहाँ पे जो रंजना भार्गव ने कहा है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट आर यूज एज अ ट्रेड एंड एक्सप्लाइटेशन, और एक्सप्लाइटेशन के लिए होता है. द ट्रेनिंग इज वेरी रिगरस, ओके फाइन, बहुत ही मतलब कि रिगरस है ट्रेनिंग, बट इट इज द ऑर्गेनाइजर नॉट द वुमन, जो कि वुमन नहीं है, हु गेट द फुल बेनिफिट, पूरा बेनिफिट उनको मिलता है, सेड मिस रंजना भार्गव. आफ्टर कम कॉम्पिटिशन द वुमेन बिकम ट्रैप्ड, ट्रैप्ड हो जाती हैं और अब्यूज़ की जाती हैं एंड बैड थिंग्स बिगिन, और वहाँ से ही उनके साथ में बुरी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है. द वुमेन आर ट्रेंड आई मीन टेंटेड, नो वन एल्स विल एक्सेप्ट देम, और वहाँ से टेंटेड होती हैं, दीज आर द नेगेटिव वर्ड्स, और कोई भी उनको एक्सेप्ट नहीं करता है अपने सोसाइटी में. दिस इज टोटली बेस्ड ऑन द फैक्चुअल कंटेंट्स, राइट. सो बस आपको ध्यान देना है कि कौन सा चीज़ कहाँ पर लिखा हुआ था और किसने इस स्टेटमेंट को कहा था. सो क्वेश्चन नंबर 96 में हम लोग देखते हैं, ये फैक्ट्स है, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है. द वुमेन्स वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज, इम्पॉर्टेंट क्यों है, राइट. So, Miss Aung San Suu Kyi has just been awarded the prestigious Nobel Prize? No. Aung San Suu Kyi was taking part in the conference? No. Its main purpose was to change inequalities between men and women? Yes. This was a very important, part of the conference. Now, next. Which of the following arguments of Miss Aung San Suu Kyi is not true? Okay, women also can bring greater peace to the world. Can't say, nahi, ye nahi tha unka part, right? Men cannot claim they have done more for peace. No, this was not. Women have the capacity for compassion and sacrifice. No, ye bhi nahi tha. Men have done nothing to dissipate ignorance. Yes, dissipate ignorance we have studied somewhere, right? हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, dissipate, और that was related to this line, this dissipate, right? With their courage and presence have done much to dissipate the darkness of intolerance and hate. Yes, men have done nothing to dissipate ignorance. Now next question number 98. The main emphasis, मतलब जोर देना, in Miss Yako Yamaguchi's argument is what? The main emphasis क्या था उनका? Men have no right to judge women? No, not at all. Men should be given more time to evaluate women? No, ये भी नहीं था. All women are beautiful in a way. Beauty contests are not necessary. Exactly. इन्होंने यही बात बताया था, ब्यूटी कॉन्टेस्ट आर नॉट नेसेसरी, क्योंकि हु आई मीन कौन किसी जज करता है, ये नेसेसरी नहीं होनी चाहिए. और ज़्यादातर मेन उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ हु गेट द फुल बेनिफिट, और जिसकी वजह से वुमेन जो है वो समाज में हेट और जितने भी बैड थिंग्स हैं उनके लिए वो देखी जाती हैं. इसलिए उनका जो स्टेटमेंट था वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट आर नॉट नेसेसरी, दिस वॉज
उन्होंने उस चीज़ों पर जोर दिया था. नाउ 99, ब्यूटी इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन. दिस स्टेटमेंट मीन्स ब्यूटी इज समथिंग डिफरेंट फॉर एवरीवन. ओके, सो ब्यूटी इज सर्टेनली डिफरेंट फ्रॉम अगलीनेस. नहीं, ब्यूटिफुल वुमेन डू नॉट मिंगल विथ अदर वुमेन, ऐसा भी नहीं कहा. दिस स्टेटमेंट का यह मतलब नहीं था. ब्यूटी कैन नॉट बी डिफाइंड एडिक्वेटली. येस, दिस वॉज द कि ब्यूटी इज समथिंग डिफरेंट फॉर एवरी वन. मतलब ब्यूटी कैन नॉट बी डिफाइंड एडिक्वेटली. पर्याप्त तरीके से ब्यूटी का डिफिनेशन नहीं है, डिफाइन नहीं किया जाता है कि बस खूबसूरती ही एक ब्यूटी है, या लोगों का बोलने का तरीका या उनकी फीलिंग्स, ये भी ब्यूटी में इसको इंक्लूड करना चाहिए. सो ब्यूटी इज समथिंग डिफरेंट फॉर एवरी वन. हर का नज़रिया जो होता है, बिकॉज ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर. जो खूबसूरती होती है वो देखने वाले के आँखों में बसती है. सो वी कैन नॉट से कि ब्यूटी का जो जस्टिफिकेशन यहाँ पर किया जाता है वो अप्रोप्रिएट है और अप टू द मार्क है. सो ब्यूटी कैन नॉट बी डिफाइंड एडिक्वेटली. दिस वॉज द स्टेटमेंट विच हैज़ बिन गिवन बाय द मिस सुकी और आयोको यामागुची, राइट. सो ब्यूटी कैन नॉट बी डिफाइंड एडिक्वेटली वुड बी द एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ 99. नाउ लास्ट क्वेश्चन, कलरफुल स्टार्ट इन सेंटेंस रेफर्स टू. बिल्कुल ये पॉजिटिव सेंस ही दे रहा है. मतलब दैट वुड बी पार्टिसिपेंट हु वर ऑल ब्यूटिफुल. नो, नॉट एट ऑल. अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड चेयरफुलनेस इन द कॉन्फ्रेंस हॉल. यस, दिस वुड बी द आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड.